नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करने वाले हैं। ये हमने हमारे अलमारी के लिए लिया है। ये एक हमारे पास खाली पुराना बॉक्स पड़ा था और हमारे कबर्ड में अभी बहुत ज़्यादा कपड़े हो चुके हैं और जिन्हें हम अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये आइडिया लिया है। इससे हम एक अच्छे से, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है और घर में कबाड़ी की तरह पड़ा रहता है। आपके घर में भी होगा ऐसा एक दोस्त, तो आप उससे यूज़ करके घर में बहुत ही कम सामान में आप एक बहुत अच्छा बॉक्स बना सकते हैं आपके लिए। इसमें आप जैसे कि रख सकते हैं दुपट्टा, रख सकते हैं छोटा हैंकी है वो रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं, या आपको जो भी पसंद हो वो सब आप अपने सुविधा अनुसार रख सकते हैं। यहाँ मेरी मम्मी आपको बता रही है कि इसमें कैसे करेंगे हम लोग, क्या करेंगे। आप लोग देखिए और घर में ज़रूर करके देखिएगा इसको। ये मेरी मम्मी ने एक निकाल दिया है इसके ऊपर से। इसको नीचे वाले एरिया में रख देंगे ताकि ये नीचे वाला एरिया और मजबूत हो जाए। यहाँ रखें, ये वाले में इस तरह से रख देंगे। ये थोड़ा मोटा ज़्यादा है तो आपको काटने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप थोड़ा दम लगा के इसको काटिए तो आराम से हो जाएगा। देखिए ऐसे रख देंगे इसको। हम यहाँ पे रख दिया मम्मी ने, हमने रख दिया इसको ही, फिर भी कैसे चिपका देंगे। ये देखिए इसको फेविकॉल से चिपका देंगे इस तरह से। थोड़ा ज़ोर से दबा के रखिए क्योंकि फेविकॉल है, थोड़ा टाइम लगता है चिपकने में और थोड़ा मोटा भी है पेपर हमारा, मतलब हमारा जो कार्डबोर्ड है थोड़ा मोटा है तो टाइम लगेगा थोड़ा चिपकने में। इधर भी लगा लिया फेविकॉल, इसको अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे ताकि वो बढ़िया से चिपक जाए। तो ये अब आप देख रहे हैं कि ये चिपक चुका है अच्छे से। अब इसको हम ग्लेज पेपर की सहायता से कवर कर लेंगे ताकि ये और ज़्यादा सुंदर लगे। इसको लगाएंगे, और ग्लेज पेपर लगाने से पहले अगर आप इसे और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक मोटा वाला टेप आता है, मैं आपको दिखाती हूँ वो। हम ये देखिए, ये मोटा वाला टेप है, इसको हम अगर इसके चारों आजू बाजू हर जगह से लगा देंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ लेगा। उसके बाद अब ग्लेज पेपर लगाएंगे तो वो बहुत दिन तक टिके रहेगा और बहुत अच्छा काम भी करेगा वो। ये चिपक चुका है, अब इसी के साइज का इसके बराबर लेंगे या थोड़ा बड़ा भी ले सकते हैं। ये हम यहाँ पे ग्लेज पेपर यूज़ कर रहे हैं, आपको जो पसंद आए जो पेपर आप लेना चाहें आप वो पेपर ले सकते हैं। यहाँ हम येलो पेपर ले रहे हैं, आप कोई भी कलर का पेपर लीजिए अच्छा लगेगा वो। वैसे ये पेपर का आप घर में कोई काम भी नहीं है तुम लोगों का, मेरे समझ से नहीं कोई काम नहीं है तो यूँ ही बर्बाद होगा, इधर से उधर घूमेगा। इसे बढ़िया है कुछ अच्छा कर लेना चाहिए। इसको भी इस तरह से लगाएंगे, ये इस तरह से देखिए। ये व्हाइट कलर का पेपर है और व्हाइट कलर इस पर फेविकोल है तो बराबर दिख नहीं रहा होगा। ये देखिए, लेकिन मैं लगा रही हूँ। ये देखिए फेविकोल यहाँ पे लग चुका है, अब हम उसे जाके स्टिक करेंगे उस डब्बे पे। बीच बीच में भी एक दो बार दे रहे हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए और सुंदर लगे देखने में। इस पर हमने लगा लिया है, इसको इसके ऊपर लगाएंगे। इस तरह से
ये अब हम साइड भी इसी तरह से लगाएंगे, चारों साइड हम इसी तरह से लगाते जाएंगे। बीच में भी इस तरह से एक दो बार दे दे ताकि अच्छे से बैठ जाए, चिपक जाए। ये देखिए ये दो जगह से चिपक चुका है, अब हम इसे और दोनों जगह से चिपकाएंगे अच्छे से। और यकीन मानिए दोस्तों, ये बनने के बाद बहुत अच्छा काम करने वाला है। बाद में आप कहेंगे ये हमें पहले पता होता तो हमने और भी बताए बनाए लिए होते अभी तक। ये बहुत अच्छा बनने वाला है, आपका बहुत काम करेगा ये। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, कंघी रख सकते हैं, तेल का डब्बा रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन करे। यहाँ पे गम थोड़ा कम हो गया है तो हम गम अभी लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा गम यहाँ पे थोड़ा सा। ये तीन जगह से तैयार हो चुका है, अब हम इसे चौथी जगह से तैयार करने वाले हैं।
ये देखिए हमने इसे चारों जगह से चिपका दिया अच्छी तरीके से। ये हमने इसके हम इसे ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप चाहें तो आप इसे और भी ज़्यादा डेकोरेट कर सकते हैं। अरे पीछे की तरफ बचा है, अब हम ये लास्ट वाला पार्ट करने वाले हैं। ये हमने यहाँ पे, आपको लग रहा हो कि दब क्यों नहीं रहे, क्योंकि अंदर से हमने डाल दिया था पहले ही, इसका ऊपर का जो ढक्कन था उसे काट के हमने लगा दिया था अंदर, तो वो स्ट्रांग हो चुका है। तो अब हम लास्ट वाला पार्ट कवर करेंगे। ये पेपर का कोई काम नहीं था, कौन से क्लास तक ये पेपर काम आता है? 8th-9th पेपर का तो कोई काम नहीं है, इसमें लग जाएगा तो अच्छा भी दिखेगा इस तरह से, या इसके बराबर भी ले सकते हैं। इसको इसके पीछे वाला चिपका देंगे। इस तरह से ये बनके तैयार हो गया। ये देखिए कितने जल्दी से ये तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है ये। और मैंने आपको बताया था कि हम इसे कम डेकोरेट कर रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे आप डिज़ाइन कर सकते हैं अपने मन का, वैसे हम इसे इतना ही छोड़ रहे हैं। तो आपको ये कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके हमें। इसमें अगर आप चाहें तो इधर भी पेपर वगैरह चिपका सकते हैं, आप डिज़ाइन कर सकते हैं अंदर अपने पसंद का। इसमें आप कोई सामान को जैसे मोड़ के रखेंगे, ये देखिए एक छोटा सा तौलिया टाइप है, हम यहाँ पे इस टॉवल को रख रहे हैं आराम से, कोई भी सामान रख सकते हैं। और इसे आप आराम से अपने कबर्ड में स्टोर करिए, शोकेस में स्टोर करिए, टेबल पे रखिए, जहाँ मन जाए रखिए। बहुत जल्दी बन गया और बहुत आराम से बन गया, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी हो गया। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, राधे।